हाई एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आई रियली होप कि आपने पार्ट वन ऑफ माई हैव व्लॉग ट्रिप देख लिया। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि ये उसका कंटिन्यूएशन है। तो हम फर्स्ट उसमें गए थे काला पत्थर बीच, उसके बाद ये हम आ गए अपने रिसॉर्ट जो कि कोरल रीफ रिसॉर्ट था। ये उनका ना रिसेप्शन एरिया था जो कि बहुत प्रीटी था। हम वेट कर रहे थे अपने रूम रेडी होने का, तो तब तक उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दिया। तो बस मैं वेलकम ड्रिंक एंजॉय कर रही थी, एंड ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा लाइक हम बीच से आए हुए थे तो बहुत थके थे, एंड सो ऑफकोर्स कुछ ऐसा ठंडा सा ड्रिंक मिले तो अच्छा ही लगता है। तो बस मैंने अपना वेलकम ड्रिंक एंजॉय किया, एंड उसके बाद ये रिसेप्शन एरिया जो उनका है मुझे बहुत ज़्यादा कोजी एंड लाइक प्रिटी लगा। यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे गेम्स भी रखे हुए थे, इंडोर गेम्स। उसके बाद हम चले अपने रूम की तरफ। तो ये जो प्रॉपर्टी है कोरल रीफ हैवलॉक का, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा। अगर आप कभी भी हैवलॉक विजिट करते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू दिस प्लेस, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। तो बस ये हम जा रहे थे अपने रूम के तरफ, एंड यहाँ पे ये इस वाले जगह पे था हमारा रूम। इसके अंदर जब आप जाते हो, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। येस, हियर कम्स आवर रूम, एंड अभी क्विक सा एक रूम टूर हो जाए। So giving you guys a very quick room tour, here I am. So the moment you enter the room, this is what we can see in the front, a very cozy corner to get ready, and then we have here a mini snack area with a lot of things which I'm gonna binge on later, and then we have the room. I loved the aesthetics of this room, like look at that detailing, it looks so pretty. Please don't mind, I have kept everything yahan wahan. So yes, this is what the room looks like. Then we have a balcony attached, so we are going to go out now. Let's get a quick bathroom tour. So this is what the washroom looks like. We have a separate place here. सो यस, काफ़ी देर बालकनी में चिल के उसके बाद मैंने सोचा चलो आप लोगों को सामने का व्यू दिखाती हूँ जो मैं बालकनी से देख रही थी। इतना ज़्यादा प्रिटी था, स्विमिंग पूल व्यू था मेरे रूम का, एंड आई होप कि जब भी मैं वापस कोरल रीफ जाऊँ हैव व्लॉग पे तो आई गेट दैट पर्टिकुलर रूम। ये था इनका जिम एरिया। उसके बाद क्योंकि बहुत भूख लगा था तो प्रॉपर्टी के अंदर ही उनका रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम गए लंच करने के लिए। एंड पास था हमारे रूम से एक्चुअली रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा। तो बस ये हम जा रहे हैं उनके रेस्टोरेंट के तरफ। देखिए कितना ज़्यादा प्यारा है इनका प्रॉपर्टी। बट ना रेस्टोरेंट के पहले एक छोटा सा ऐसा एरिया था, आई थिंक यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ कुछ सामान थे, काफ़ी क्यूट क्यूट चीज़ें थी, बट मैंने कुछ लिया नहीं यहाँ से। एंड खाना ऑर्डर के ये उनका रेस्टोरेंट एरिया है। सो हमने फटाफट से लंच ऑर्डर किया, बट ऑफकोर्स ऑर्डर करने के काफ़ी देर बाद ही लंच आएगा, तो तब तक मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा बहुत और प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करती हूँ। तो ये से मैं निकली, देखिए बहुत ही ज़्यादा क्यूट एक वेल रखा हुआ था, वेल एरिया था, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा। एंड यस, उसके बाद सामने स्विमिंग पूल था, तो यहाँ पर मैं गई थोड़ी देर चिल करने के लिए। सो यस, देन फाइनली आ गया हमारा लंच। पूरा तो मैंने कैप्चर नहीं किया, बट बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो फटाफट हम लग गए खाने।
खाना वगैरह सब कुछ होने के बाद हम हो गए रेडी निकलने के लिए टू राधानगर बीच। तो चलिए चलते हैं बीच। सो ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा कुछ इस राधानगर बीच के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ एशिया सेवेंथ मोस्ट ब्यूटिफुल बीच एंड ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर अ रीज़न। लुक हाउ प्रिटी, हाउ प्रिटी द व्यू, द बीच, द सैंड, एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेसेस। आई विल हाईली रिकमेंड यू, यू शुड विजिट वंस इन योर लाइफ टाइम फॉर श्योर। इट वॉज वर्थ एवरी बिट। एंड इसके साथ ही व्लॉग के जो व्लॉग्स हैं यहाँ पे एंड होते हैं। आई रियली होप कि आपको बहुत मज़ा आया। एंड इफ़ यू लाइक इट, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, बाय बाय।